हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपने वीडियो में कैसे आप अपने मुंह का जो है हाइजीन कर सकते हैं, जो है कैसे साफ सफाई रख सकते हैं। इसके लिए पहले एक जो है डेंटल डॉक्टर से हम लोग कंसल्ट कर लेते हैं और आपको बताएंगे जो है कैसे आप अपने जो है मुँह का और अपने दांतों का कैसे साफ सफाई रख सकते हैं। तो सर, कैसे हम लोग आइए जान लेते हैं पहले, सर कैसे जो है अपने दांतों को हम लोग साफ रख सकते हैं और कैसे जो है ब्रश करने का सही तरीका क्या होता है। देखिए, ब्रशिंग करने का तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली क्या क्या करते हैं, कुछ लोग ब्रश करते समय अपने दांतों को सिर्फ ऐसे रगड़ रगड़ के साफ कर देते हैं, वो तरीका सही नहीं है। तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप जो है ब्रश को बहुत सॉफ्ट हैंड से पकड़िए और बहुत सॉफ्ट हैंड से दांतों पे गम्स में अप्लाई करिए, ठीक है ना। पहले तो उसको पीछे से स्टार्ट करिए, आगे से नहीं करना है, पीछे से करना है। बहुत हल्का मूवमेंट देना है, बैक एंड फ्लो देना है, पहले पीछे आना है, फिर आगे आना है, फिर अपवर्ड करना है। ऐसे पहले पीछे जाइए, फिर आगे आइए, फिर अपवर्ड करिए। जो गंदगी जमी हुई है वो सारी दांतों की जो है दांत से बाहर निकली, ऐसे करते करते इस मिड लाइन तक आइए, सेंटर तक। फिर दूसरे साइड में भी ऐसे ही करना है आपको, पहले बैक, फिर आगे फ्लो, फिर अपवर्ड। चले पीछे जाइए, फिर आगे आइए, फिर ऊपर की तरफ। जो गंदगी है दांतों में से वो निकल जाएंगी जी। बहुत तेज़ और बहुत रगड़ना है नहीं है, उससे मसूड़े को नुकसान होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हार्ड करेंगे तो मसूड़े घिस जाएंगे, दांतों में सेंसिटिविटी जी जी। कई कई जगह क्या होता है कि देखेंगे दांत बहुत इंटैक्ट होते हैं, तो वहाँ हम कैसे सफाई करेंगे, उसके लिए जो है डेंटल ब्रशेज आते हैं। बहुत टाइट गैप है तो उसके लिए कोडिंग होता है। देखिए, पिंक कोड का मतलब हो गया पिंक कलर का इंटरडेंटल ब्रश है, तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल टाइट स्पेस, जहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है वहाँ ये अप्लाई करेंगे, ताकि जो है उससे हम गंदगी निकाल पाएँ, ठीक है। बहुत टाइट स्पेस के लिए हम लोग पिंक कलर का एंगुलर, ये एंगुलेटेड है, देख रहे हैं ना, एंगल बना हुआ है, तो इससे क्या है हम दांतों के अंदर जाके साफ सफाई करेंगे जी। अगर गैप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग उसके लिए जो है रेड कलर का आता है, वो जो है आपके नैरो गैप जो होते हैं उनके लिए होता है, जिनके दांत थोड़ा दूर दूर होते हैं सर, जिनके दांतों में गैप होता है और जहाँ जाके सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ब्रश से, वहाँ पर आप जाके जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा एज बढ़ जाने के कारण क्या होता है, दांतों में गैप और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो जहाँ पर खाना जाके फंस जाता है, नीचे गम हड्डी गल जाती है, तो उसके अंदर भी जाके जो है आप सफाई यहाँ जाके ऐसे करके कर सकते हैं इससे जी जी, है ना। और एक ऑप्शन और भी होता है, जैसे फ्लॉस जिसको बोलते हैं, ये भी दो तरीके के आते हैं। जैसे ये आपका जो है एंटीरियर्स के लिए है, आगे वाले दांतों में जाएगा और यहाँ पर जो जाके फिर जो है दांतों की अच्छे तरह सफाई करेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है ये एंगुलर है। अच्छा, खाने में जो क्या है कि जैसे ये आपका पोस्टीरियर में नहीं जा पाएगा, खाना वाना खा लिया है, कुछ फंस गया है, तो सीके से लेके नहीं निकालना है, उसके लिए फ्लॉस वाला फ्लॉस आते हैं कई सारे, आप फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं। ये हैंडल के साथ वाला फ्लॉस है, इसमें क्या है कि फ्लॉस अटैच है, जब तक फ्लॉस टूट नहीं जाएगा तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको जो है दांतों के बीच में डाल के, मेनली आगे के दांतों के लिए ये ऐसा वाला होता है और पीछे वाले दांतों के लिए एंगुलर होता है, तो ये पीछे वाले दांतों में ये नहीं जा पाएगा, तो आप आराम से अपने हाथ से जो है इसको पहुँचा के, और जब मूवमेंट करेंगे तो थोड़ा सा दबा के आगे तरफ खींचते हुए ऊपर तक निकालेंगे, ताकि जो गंदगी जमी हुई है गंदगी जो है इसमें से निकल जाए। ये इसका प्रॉपर तरीका है दांतों की साफ रखने का। बाकी रेगुलर अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करिए, दांतों की सफाई मशीनों द्वारा भी होती है, उसको भी करवाइए। और बाकी अगर रेगुलर जो ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, जो रोज़ की सफाई है, वो ऐसे करना चाहिए आपको। ब्रशिंग दोनों टाइम करनी है, ब्रशिंग दोनों टाइम करिए। गैप ज़्यादा है तो आप जो है इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल करिए, गैप कम है, बहुत कम लग रहा है, तो आप जो है फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी दांत आपके गंदगी जो जमी हुई है वो सब निकल जाएगी, कैविटी नहीं होगी, दांत में परेशानी नहीं आएगी। कैविटी हो जाती है तो रूट कैनाल करना पड़ता है, लेकिन सबसे बचने के लिए जितना अच्छा आप दांत को साफ रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा है कि डॉक्टर साहब ने पूरा डिटेल में बताया है कैसे आपको ब्रश करना है, कैसे आप अपने दांतों को साफ सफाई रख सकते हो, कैसे आप जो ओरल हाइजीन रख सकते हो, कैसे आपके मसूड़े जो है सुरक्षित रहेंगे, दांत सुरक्षित रहेंगे।